हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। गाइस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पठानकोट की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आया है। पोस्ट की बात करें तो गाइस क्लर्क का पोस्ट निकल के आया है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी अप्लाई क्रिया क्या रहने वाली है, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, क्या एज लिमिट क्राइटेरिया मांग रखा है। उसी एज क्राइटेरिया के अंदर गाइस आपका एज लिमिट क्राइटेरिया आना चाहिए, जब भी गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस गाइस, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है, उसी व्याप पे गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो गाइस आप एलिजिबल है, अदरवाइज आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं है, आपके पास वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। एंड गाइस, सैलरी पैकेज क्या रहने वाला है, टोटल कितना वैकेंसी निकल के है, प्लस सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। यदि गाइस इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है, ऑल गाइस आई मीन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एंड गाइस ये नॉर्मल रिक्रूटमेंट है। इस नॉर्मल रिक्रूटमेंट के अंदर गाइस स्पोर्ट्स वैकेंसी भी रिजर्व्ड आई है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, जो कि आगे बात करेंगे कि कौन कौन से गेम के खिलाड़ी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्या स्पोर्ट्स अचीवमेंट रहने वाली है, एंड टोटल कितना वैकेंसी रिजर्व्ड आई है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो गाइस आपको बिना स्किप की वीडियो देखनी, ताकि आपका डाउट ऑल क्लियर, ऑल कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर हो सके। बिकॉज गाइस आप स्किप कर करके देखोगे तो गाइस आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाता, फिर आप होप लगाते हो गलती करने के बाद, जो कि गलत है। तो गाइस आपको बिना स्किप की वीडियो देखनी है। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज गाइस आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, क्योंकि गाइस आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियो लाता हूं। तो गाइस बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये अपनी ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पठानकोट की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के है, जिसके अंदर नॉर्मल रिक्रूटमेंट भी कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, गाइस स्पोर्ट्स कैंडिडेट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब प्रोफॉर्मा आर इनवाइटेड अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ। तो गाइस, इसकी अप्लाई क्रिया ऑफलाइन है, लास्ट डेट की बात करें तो 10 जून 2024 है, जो कि शाम के 5 बजे से पहले पहले गाइस आपको अपना फॉर्म सेंड कर देना है, जो कि बाय पोस्ट या बाय हैंड के माध्यम से गाइस आप सेंड कर सकते हैं। फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट ऑफ क्लर्क्स ऑन एडॉक बेसिक पे रहने वाली है। दी क्वालिफिकेशन एंड अदर क्राइटेरिया टू फिल अप दिस पोस्ट आर एज अंडर। तो गाइस, ये क्लर्क पोस्ट पे गाइस ये वैकेंसी निकल के है, जिसकी अप्लाई क्रिया ऑफलाइन है, लास्ट डेट की बात करें 10 जून 2024 है। एंड गाइस बात करें टोटल वैकेंसी की, तो इसके अंदर टोटल वैकेंसी 22 आई है। वैकेंसी वाइज बात करें, कैटेगरी वाइज बात करें गाइस, इसके अंदर जनरल के अंदर 10 है, बीसी के अंदर 1 है, एससी के अंदर 5 निकल के आई, एएसएम के अंदर 3 है, एएससी ESM के अंदर गाइस कैटेगरी के अंदर 1 वैकेंसी निकल के आया। गाइस स्पोर्ट्समैन की बात करें तो 1 वैकेंसी इसमें रिजर्व्ड आई है स्पोर्ट्स पर्सन की वैकेंसी। एंड गाइस इसके अंदर दिव्यांग यानी हैंडीकैप्ड भी वैकेंसी निकल के आया, 1 वैकेंसी, जो जिसके अंदर गाइस हैंडीकैप कैंडिडेट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस अब बात करें सैलरी पैकेज की, तो फिक्स्ड, तो गाइस इसके अंदर आपको जो सैलरी पैकेज 14,237 से लेकर 25,500 तक गाइस इसके अंदर आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है। एंड गाइस एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि मेन है, उसी व्याप पे गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस ये क्लर्क की पोस्ट है, कंप्यूटर का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, एज ए आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, एंड एज ए फ्रेशर भी गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है कहीं भी क्लर्क के कहीं भी यूनिवर्सिटी। एंड गाइस बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, इनिशियल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स मस्ट हैव पोस्ट ए डिग्री ऑफ बीए बीएससी। एंड गाइस जैसे कि आपका मैंने अभी पीछे बताया कि कंप्यूटर का नॉलेज का आपको होना चाहिए। एंड गाइस आपने ग्रेजुएशन आपने पास कर रखी कोई सी भी स्ट्रीम में, बीए बीएससी बीबीए बीकॉम बीएससी, तो गाइस ये नहीं कि गाइस परसों सर मेरी चल रही है फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, नो, आपके पास मार्कशीट डीएमसी लास्ट डीएमसी एसएम की आपके पास होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, तो ही गाइस आप अप्लाई करें, अदरवाइज आप अप्लाई ना करें। एंड गाइस बात करें एज लिमिट क्राइटेरिया की, तो गाइस 18 to 37 ईयर्स तक गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर जनरल कैटेगरी दी रिलैक्सेशन ऑफ एज विल बी गिवन टू दी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ। तो गाइस ये एप्लीकेशन फॉरम है, जो कि गाइस आपको इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में गाइस ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्लस गाइस ये एप्लीकेशन फॉरम उपलब्ध करा दिया जाएगा। सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक कुछ नहीं करना, लिंक पे क्लिक करना है। एंड गाइस ये एप्लीकेशन फॉरम का अलग आपको लिंक दे दिया जाएगा, एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अलग दे दिया जाएगा, ठीक है। तो गाइस आपको इसकी अप्लाई करिए ऑफलाइन है, लास्ट डेट इसकी 10 जून 2024 है। एंड गाइस कोई गलती नहीं करनी, एंड गाइस कैपिटल्स में नेम्स लिखने हैं, एंड गाइस आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वही डालना है जो आप यूज करते हैं, जो एक्टिव है, बिकॉज गाइस कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रहती है तो गाइस आपको ईमेल द्वारा
या SMS द्वारा आपको सूचित किया जाएगा मोबाइल जो भी गाइस आपने राइट किया है। तो गाइस जो आप यूज करते हैं एक्टिव वही आपको डालना है। तो गाइस ये इंस्ट्रक्शंस है। तो गाइस इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटर्न होगा, एंट्री होगा, देन फिर आपका DV होगा। तो गाइस रिटर्न के अंदर देखिए तो कौन से सब्जेक्ट रिलेटेड इसके अंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इंग्लिश कॉम्पोजिशन, पंजाबी, जनरल नॉलेज, तो 25 मार्क्स के रहेंगे जो कि आप देख सकते हैं। एंड गाइस क्वालिफाइंग मार्क्स 30% है। एंड गाइस ये सारे इंस्ट्रक्शंस है फ्रॉम दी कैंडिडेट सेटिस्फाइंग दी रिक्वेस्ट क्राइटेरिया दी शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैविंग मोर मेरिट शैल बी प्रिपेयर्ड एंड कॉल फॉर कंप्यूटर प्रोफेशनसी टेस्ट। तो गाइस इसके अंदर आपका इंट्रो के बाद आपका स्किल टेस्ट भी होगा, पहला रिटर्न होगा, फिर इंट्रो होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर DV होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी। तो गाइस इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.pathankot.dgov.in है। तो गाइस आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यदि गाइस वहाँ से आपको डाउनलोड नहीं होता है, नहीं मिलता है, तो गाइस आपको इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में गाइस आपको लिंक दे दिया जाएगा, जैसे कि आपको मैंने अभी पीछे बताया। नंबर ऑफ अबाउ सेट पोस्ट में इंक्रीज, तो गाइस इसकी वैकेंसी बढ़ाई भी जा सकती है। अवेलेबल फॉर द रिजर्व कैटेगरी पोस्ट दैन द रिजर्व पोस्ट विल बी फिल्ड अप फ्रॉम अमंग जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स इन केस ऑफ कैंसिलेशन पोस्टपोन ऑफ टेस्ट इंटर फॉर द अफोर्ड सेट पोस्ट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। तो गाइस ये इंस्ट्रक्शन आपको अच्छी तरह पढ़ लेने, कोई गलती नहीं करनी। इसकी अप्लाई के लिए ऑफलाइन है। नो TA/DA विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द टेस्ट इंटरव्यू। तो गाइस ये अपनी डिस्ट्रिक्ट पठानकोट, तो गाइस ये अपनी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की तरफ से पठानकोट की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के है। पोस्ट की बात करें कलर का पोस्ट निकल के है। तो गाइस जो एलिजिबल है ऑब्वियसली बात है आप इसके अंदर अप्लाई करें, जो एलिजिबल नहीं है वो इसके अंदर अप्लाई ना करें। तो गाइस आपको मैं दोबारा रिकैप कर देता हूं। तो गाइस इसकी अप्लाई के लिए ऑफलाइन है, लास्ट डेट इसकी 10 जून 2024 है। एज लिमिट क्राइटेरिया 18 से लेकर 37 साल तक गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज है एंड कंप्यूटर का आपने कोर्स कर रखा है, वो सर्टिफिकेट भी है, प्लस कहीं आपने एज ए क्लर्क काम कर रखा है, एक्सपीरियंस है। तो गाइस आप इसके अंदर सेल्फ अटैच करके आपको सेंड कर सकते हैं। आपको मैंने बताया किसके माध्यम से सेंड करना है, बाय पोस्ट या बाय हैंड के माध्यम से। कहां पे सेंड करना है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट पठानकोट। पठानकोट का पिन कोड की बात करें तो 145001 पंजाबी, यहां पे आपको सेंड करना है बाय पोस्ट या बाय हैंड के माध्यम से। बात करें गाइस क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी सारी 10th+2 ग्रेजुएशन एंड एक्सपीरियंस आपका, ठीक है, एंड आधार कार्ड हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो की जो बैकग्राउंड होनी चाहिए। एंड गाइस फोटो वही लगाना जिसका बैकग्राउंड आपका वाइट हो, ठीक है, एंड वही भी आप डाल के भेजना है आपको, ठीक है। तो एंड गाइस आपको मैंने ऑफिशियल वेबसाइट बता दिया, डॉक्यूमेंट बता दिए किसके माध्यम से आपको सेंड करना है ये बता दिया, एंड रिटर्न के अंदर आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड इसके अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड गाइस इसके अंदर स्पोर्ट्स वैकेंसी रिजर्व, जो कि गाइस 1 वैकेंसी रिजर्व आई है, जो कि टोटल वैकेंसी की बात करें 22 आई है। सैलरी पैकेज की बात करें तो 25,500 तक गाइस इसके अंदर आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है। फी स्ट्रक्चर गाइस आपको बता दिया, बाय हैंड या बाय पोस्ट के माध्यम से आप सेंड कर सकते हैं। यदि गाइस इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पठानकोट ही गाइस इसके अंदर आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है क्लर्क पोस्ट पे। तो गाइस इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड गाइस इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो एलिजिबल कैंडिडेट है ओबीसी बात है आप इसके अंदर अप्लाई करें, जो एलिजिबल नहीं है वो इसके अंदर अप्लाई ना करें। एंड गाइस जो नए व्यूअर्स है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज गाइस आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए। एंड गाइस साइड में बेल आइकन इसे प्रेस करें ताकि अब तक पहले तुरंत सही जानकारी सही टाइम पर पहुंचे। एंड गाइस एक अपना टेलीग्राम चैनल भी है स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स के नाम से, आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं। यदि गाइस वहाँ पे सो नहीं होता है तो गाइस आपको इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन गाइस इसका लिंक दे दी जाएगा। सरलता पूरा ध्यान पूरा कुछ नहीं करना गाइस, लिंक पे क्लिक करना है एंड गाइस आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे। तो गाइस इस चैनल पे गाइस आपको टाइम टू टाइम सरलता पूरा ध्यान पूरा आपको अपडेट करा जाता है। तो गाइस इस चैनल पे प्यार दिखाएं। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।